गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर फिर आपके सामने प्लस टू मैथ से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियोस में हमने मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चैनल के जरिए मुझसे पूछ सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ये सेम रिलेटेड है मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हाउ टू सॉल्व ए डिटर्मिनेंट। भी किसी भी डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब जो डिटर्मिनेंट आपका होगा वो स्क्वेयर में होगा। स्क्वेयर मतलब उसकी रो और कॉलम हमेशा ही क्या होगी, सेम होगी। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स इस तरह का कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वो रियल भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 माइनस डिवाइड में कुछ भी हो सकता है, और कम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब अयोटा भी आ सकता है साथ में, प्लस वन में आपने पढ़ा होगा। कलर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट इज रिटन एज दिस। डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए ये सिंबल लगाया जाता है। जैसे इसमें तो स्क्वेयर, जो स्क्वेयर ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दिया गया, इसमें ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना, ओपन ही रखना, सीधी दो लाइंस लगानी है, जिसको हम कह सकते हैं देसी भाषा में। तो इस तरह से दो लाइंस लगानी है और ये आपका क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। तो इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस लाइंस का ही फ़र्क है और उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसी तरह से सपोज करो सिमिलरली आपके पास सपोज करो इस तरह का कोई 3x3 का मैट्रिक्स है इस तरह से, तो उसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो मतलब इस तरह से चेंज हो जाएगा ये। अब ये तो बात थी भी इसको लिखना कैसे है, 2x2 को ऐसे लिखेंगे, 3x3 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2x2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व ए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। सपोज करो आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी और डी, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का निशान लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ चारों एलिमेंट्स को, मतलब डी को ए के साथ और सी को बी के साथ। तो ध्यान ये रखना है, जैसे हम कॉपी पर टिक मार्क करते हैं, बीच में ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हम कॉपी पर टिक मार्क करते हैं, तो जो टिक मार्क करने वाला जो इस तरह से है, मतलब सी से लेके बी तक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके निशान चेंज कर देने हैं। सबसे पहले जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को डी से किया क्या हो गया, ए डी, फिर सी को बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी तो हो गया पर ये प्लस का था, हमने क्या लिखा, माइनस का। इस तरह से पहले ही माइनस लगा लेना, फिर गलती नहीं होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब ये है 4 1 1 माइनस 6 2 और 4 है, तो पहले 1 को 4 से किया, 4 1 जा 4, फिर 6 को 2 से किया, माइनस 12 हुआ ना, आपने सीधा क्या लिख देना, प्लस 12। बस इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने प्लस का 12 लगाना है। जैसे हमारे पास 10th के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, 23-12 वाला जिसे हम बोलते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो सामने वाली रकम के निशान चेंज कर देते थे। तो इस तरह से कॉपी पर जो टिक मार्क हम करते हैं उसके हिसाब से हमने क्या करना, निशान चेंज करना है। इधर वाली का कुछ नहीं करना, इधर वाली का सीधा सिंबल ही लिखना है। तो ये तो था 2x2 मैट्रिक्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से करने पर जो रकम आएगी उसका निशान चेंज करना है, करने के बाद में अगर प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा। अब 3x3 को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3x3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जैसे ये अब 1 2 3 माइनस 1 2 5 4 3 और 7 कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ले लेना है, जैसे हमारे पास ये क्या है, 1 है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1, उसके बाद में इसका रो भी ख़त्म कर देना है, इसकी रो भी चली गई और इसका कॉलम भी ख़त्म हो गया। जैसे 1 के सामने रो कौन सी थी, 1 2 3, ये भी गया, और 1 के सामने कॉलम कौन सा था, 1 माइनस 1 और 4, ये भी गया, पीछे क्या रह गया, 2 5 3 और 7, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेना है। उसके बाद में फिर दूसरा एलिमेंट उठाना है, उसी रो का अगला एलिमेंट, निशानी सिंबल इसमें कैसे लगाएंगे, बीच में सबसे पहले ये प्लस का रहेगा, उसके बाद में ये माइनस का रहेगा बीच में। अगर यहाँ पर पहले ही माइनस लगा हुआ है इस एलिमेंट के साथ, तो वो एक माइनस अपनी तरफ से लगाकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर तीसरे एलिमेंट के साथ क्या लगाना है, प्लस। इस तरह से याद रखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो क्या आएगा, माइनस।
ये निशान आपने याद रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कोई निशान चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके निशान आपने यहाँ पर चेंज कर देने हैं। इसी तरह से अब टू टू के सामने एक तो टू वाली रो गई, एक टू वाला कॉलम गया ये नीचे वाला, तो पीछे क्या रह गया, माइनस वन फाइव फोर और सेवन। तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, टू के साथ माइनस वन फाइव फोर और सेवन। इसी तरह से थ्री के सामने थ्री वाली रो गई, मतलब उस एलिमेंट की रो भी ख़त्म करनी है और उस एलिमेंट का कॉलम भी ख़त्म करना है, पीछे क्या रह गया, माइनस वन टू फोर और थ्री, तो लिख दिया माइनस वन टू फोर और थ्री, साथ में क्या लिख दिया, प्लस थ्री। अब इनको जैसे ये, अब ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बन गए, अगर आप ध्यान से देखो तो टू क्रॉस टू के तीन डिटर्मिनेंट बन गए। इनको सॉल्व करने का तरीका पीछे मैंने बताया था कैसे, सेवन टू जा फोरटीन, फाइव थ्री जा प्लस का फिफ्टीन हुआ, आपने क्या लिखना है, माइनस का फिफ्टीन। मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद में निशान चेंज करके लिखना है। इसी तरह से माइनस टू आगे बढ़ाई है, इसको करेंगे सेवन वन जा, ये माइनस का सेवन ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। फाइव फोर जा, ये प्लस का ट्वेंटी हुआ, आपने क्या लिखना है, माइनस का ट्वेंटी। इसी तरह से थ्री आगे आई, थ्री वन जा क्या हुआ, माइनस थ्री, इसका निशान चेंज नहीं करना है। फोर टू जा, ये प्लस का एट था, आपने क्या लिख दिया, माइनस का एट। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, बस आपने ये करना भी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आप निशान चेंज करके लिख देना है, फिर ये जो सिंबल वाला जो मिस्टेक होता है ना बच्चों का, ये कभी नहीं होगा, परमानेंटली ठीक हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 15 में से 14 में से 15 गए, माइनस वन, आगे वन लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, माइनस टू भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस निशान माइनस का, ये भी माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस और निशान क्या हुआ, माइनस का। वन वन जा क्या हुआ, माइनस वन, 27 को माइनस टू माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 54 हो गया। 11 3 जा क्या हो गया, माइनस का 33। अब 33 माइनस और माइनस, 33 माइनस वन 34, 54 में से 34 गए, प्लस का क्या रह गया, 20। तो ये हमारा क्या हो गया, 3x3 का डिटर्मिनेंट। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले पहला एलिमेंट लेना है, उस पहले एलिमेंट की रो भी ख़त्म कर देनी है, उसका कॉलम भी ख़त्म कर देना है, फिर लिख लेना है। फिर अगला एलिमेंट लेना है, उसका रो और कॉलम ख़त्म कर देना है, उसका फिर लिख लेना है। जैसे इसका ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड कॉलम हो गया। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट लेना, उसका रो फर्स्ट रो होगी, थर्ड कॉलम खत्म हो गया, बाकी जो रहेगी उनका, उनको फिर डिटर्मिनेंट को खोल लेना है। खोलने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उनको प्लस माइनस कर देना है, प्लस माइनस करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये आज का सिंपल सा टॉपिक था डिटर्मिनेंट के ऊपर, तो उम्मीद है मेरे को भी आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड हम आगे भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है, आपके पास मैंने दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट है 2, 4 माइनस फाइव माइनस वन, एक तो ये डिटर्मिनेंट है 2, 4 माइनस फाइव और माइनस वन, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एक 3x3 का है जिसमें 3 माइनस फोर फाइव, 1, 1 माइनस टू और 2, 3, 1। मैं रिपीट कर देता हूँ, 3, 4 माइनस का फाइव, फिर 1, 1 माइनस टू, 2, 3 और 1, ये दो डिटर्मिनेंट आपके पास है। इन डिटर्मिनेंट्स को आपने सॉल्व करके मेरे को इनका आंसर जो है वो बताना है। तो उम्मीद करता हूँ भी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चे।